बट अगर उस टाइम आप रोड पे हो तो आपकी ढंग से लग जाती है, आपकी कमर में दिक्कत हो सकती है, आपके हाथ पैर लात टूट सकते हैं यहाँ पे, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाते हो। फिर बचपन से ना बहुत सारी इंग्लिश मूवीज देखी होती है, क्रिसमस वगैरह के सीन्स देखे होते हैं कि भाई स्नो स्नो होती है पीछे, जैसे कि आप सब पीछे देख सकते हो, तो बड़ा ब्यूटीफुल सा लगता होता है। जब रियलिटी में उस माहौल में आके आप रहते हो ना, तब आपको पता चलता है कि ये सारा जो पीछे आपको व्यू दिख रहा है, ये जो सारे नजारे हैं, ये एक कॉस्ट पे मिलती है जो कि आपको डेली लाइफ में भुगतनी पड़ती है। तो मूवीज के अंदर आपने ये जरूर देखा होगा कि स्नो फाइट वगैरह खूब कर रहे होते हैं लोग, बट भाई यहाँ पे रियलिटी ये है, ठंड से लगता है डर सबको बहुत ज्यादा, और जब वो माइनस में बाहर टेम्परेचर तो क्या ही कहने। चलो डेली रूटीन की चीजें आपको दिखाते हैं कि विंटर के अंदर किस तरीके से सर्वाइवल करना रहता है यहाँ पे। ये स्नो आपको बहुत अच्छी लग रही है पीछे जो भी सारी पड़ी है, आगे भी बहुत सारी है, बट ये थोड़े टाइम बाद ना जैसे कि आप देख रहे हो ये हार्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इसके बाद इसने पत्थर बन जाना है और फिर हटना नहीं। तो ये सारी स्नो हटाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी जो लोग घर पे रह रहे हैं उन्हीं की होती है। सो आप देख रहे हो ना ये नीचे भी आप देख लो कितना मैस है। तो वीडियोस वगैरह मैं यहीं पे शूट करता था, बट अब मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर अपनों को अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा। कल यहाँ पे क्या वार्निंग आ रखी थी कि स्नोफॉल होना है और वही चीज हुई। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, भाई उठते ही आप सोच रहे हो कि इस गेट से आप बाहर आओगे और बाहर के नजारे लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। यहाँ पे जो आपको पीछे चलने वाली जगह दिख रही है ना वो भी हमको क्लियर करनी होती है। ये ड्राइववे हो गया, ये भी क्लियर रखना होता है कि भाई ब्लैक आइस से कोई गिर पड़ ना जाए। तो सुबह उठते ही पहले लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है कि भाई ये काम कौन करेगा। तो हमें जैसे पता लग गया था कि स्नो पड़ने वाली है, तो ये जो चलने चलने वाला रास्ता है ना जितना भी, तो यहाँ पे हमने सॉल्ट घेर दिया था पहले से ही, और उसके बाद जब स्नो वगैरह पड़ी तो शावल वगैरह लगा के स्नो साइड भी कर दी थी। तो ये सारे काम है भाई अगर आप कनाडा में रह रहे हो, घर में रह रहे हो तो आपको करनी पड़ेगी। बट स्टूडेंट्स के लिए ना मैं एक टिप देना चाहता हूँ आपको कि घर या तो आप ऊपर रह सकते हो या नीचे बेसमेंट में रह सकते हो। अगर आप नीचे बेसमेंट में रहते हो तब मोस्टली ये ड्यूटी आपकी नहीं होती। तो अगर आप ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहते हो, सिर्फ आनंद लेना चाहते हो बर्फ का, स्नोफॉल का, तो आप स्टार्टिंग में बेसमेंट में आके रह सकते हो, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। तो इसके बाद अब अपने बात करते हैं कारों के बारे में कि कार की भी मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है, विंटर के लिए कार को भी रेडी करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है कार के अंदर वो है विंटर टायर्स। तो विंटर टायर का सीन यही होता है शूज की तरह कि अगर आप कोई लेदर वाले शूज पहन रहे हो जिसकी जो ग्रिप है नीचे से वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो जो नॉर्मल टायर्स होते हैं वो हार्ड ग्रिप वाले होते हैं, विंटर टायर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट ग्रिप वाले होते हैं। तो विंटर टायर से आपकी गाड़ी फिसलती नहीं है, अगर आप हाई स्पीड में जा रहे हो स्किड नहीं होती, गोल नहीं घूमती। मैं कल का ही आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरे सामने जो बिल्कुल गाड़ी जा रही थी ना, उसने सिर्फ लेन चेंज करने की ट्राई करा और लेन चेंज के चक्कर में ही गाड़ी स्पिन हो गई, गोल घूम गई। क्योंकि ठंड में यहाँ पे क्या होता है, जब बर्फ नीचे गिरती है वो पानी बन के कभी कभी हाथों हाथ आइस बन जाती है, जैसे कि अपने ब्लैक आइस भी बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। तो अगर आपकी कार में विंटर टायर्स हैं तो आप बहुत हद तक सेफ रहते हो, बट अगर आपके टायर सही नहीं है, समर टायर चला रहे हो या फिर लो क्वालिटी के ऑल सीजन टायर चला रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाते हो फिर। और उसके अलावा आपको और क्या क्या सामान कार में रखना चाहिए वो भी आपको दिखाते हैं, जो कि विंटर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मेरे से पूछते थे कि हीटेड सीट कैसे बनाएं पुरानी कार में, तो भाई ये कॉस्को से आप ले सकते हो, ये मेरी खराब हो गई, मेरे को चेंज करवा के लानी है। तो इसको आप पावर में लगा सकते हो आगे और आपकी सीट जो है गर्म रहनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट हथियार, इससे आप आइस को हटा सकते हो जो जम जाती है, और इससे आप स्नो को। तो सुबह ये गाड़ी पूरी इतनी स्नो से भर रखी थी, सारी मैंने इससे रिमूव करी है और 100 किलोमीटर जाके भी आया हूँ, काम पे था वहां से वापस आया था। और उसके अलावा ये सबसे मेन चीज अभी सुबह सुबह डाला था, खाली हो गया सारा। तो ये आप देख सकते हो कि -45 तक जो इसके अंदर फ्लूड होता है वो बर्फ नहीं बनता। तो इस टाइम जो टेम्परेचर है वो -3 के अराउंड है। तो ये जो आपको फ्लूड दिख रहा है ये पानी नहीं है, पानी होता तो ये आइस बन जाता अभी। तो ये जो रेन फ्लूड होता है ये भी बहुत ज्यादा असेंशियल होता है सर्दियों में गाड़ी के लिए। अब लास्ट चीज एक और बच रही है पुरानी कार्स के लिए है, वो नई कारों में तो आजकल आते ही ये फीचर, जब भी आप सो के उठोगे और इस विंडो से आके बाहर देखोगे कि भाई क्या खूबसूरत नजारा है, बट उस गेट से बाहर आने में आपकी बहुत ज्यादा फटेगी क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है। तो उस टाइम गाड़ी गर्म करने के लिए हमारे पास रिमोट स्टार्टर होना चाहिए कि आप अंदर से गाड़ी स्टार्ट कर दो ताकि गाड़ी गर्म हो जाए जब तक आप बाहर आओ। उससे फायदा ये होता है कि सारे शीशों पे बर्फ वगैरह जमी होती है वो अपने आप मेल्ट हो जाती है, उसके बाद आप आए ब्रशिंग करी थोड़ी सी और गाड़ी लेके निकल लिए। तो विंटर टायर्स का जो खर्चा अगर अपने हल्के डलवाएं तो $400 के आ जाते हैं नए, और अच्छे तो मिचलन के $900-1000 तक आते हैं। और जो रिमोट स्टार्टर अगर किसी ने पुरानी गाड़ी में लगवाना है तो वो लगभग $300-$400 का लग जाता है, मेरे फ्रेंड ने अभी लगवाया है। तो अब अपने खुद की भी बात कर लेते हैं कि खुद को विंटर रेडी किस तरीके से करना होता है। देखो गाइस, कपड़े हो या ना हो आपके पास, ये विंटर जैकेट भी मैंने इस साल ली है, पिछले साल जो मेरे पास इंडिया वाले कपड़े थे मैंने वही चलाए थे। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो पर्सन है ना जो ठंड में रहना जानते हैं, जो नॉर्थ साइड रहते हैं, वो आपको एक ही चीज बताएंगे कि लेयरिंग का इंपॉर्टेंस जो है ना आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जिस टाइम टेम्परेचर -10 -20 हो जाता है ना, उस टाइम जरूरी नहीं है कि आपके पास मोटी मोटी जैकेट्स हो विंटर वाली। अगर आपको लेयरिंग आती है करनी, इंडिया के अंदर अपने जो गर्म इनर्स वगैरह चलते थे, आप लेयरिंग करो, 2 से 3 लेयरिंग अगर आपने कर ली ना,
और उसके बाद आप अगर नॉर्मल जैकेट्स भी पहन रहे हो तो आपको ठंड नहीं लगती। बस अपने जो मेन पॉइंट्स है ना वो आपको बचा के रखने होते हैं, जैसे कि आप कैप वगैरह पहनो या आपके कान वगैरह और नीचे से पूरा ढके होने चाहिए, प्लस अच्छे ग्लव्स होने चाहिए आपके पास। और उसके बाद आप जैसे देख रहे हो कि ये जो शूज़ हैं इनकी भी लेंथ सही नहीं है, ये मेरे अभी काम पे पहन के जाता हूँ गैस स्टेशन, तो वो वाले शूज़ हैं, तो ये भी हाई एंकल होने चाहिए। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, आप देख सकते हो कि ये पूरे अंदर जा रहे हैं और साइडों से बर्फ जानी स्टार्ट हो जाएगी अंदर, तो बाहर जो है ना बर्फ मिट्टी की तरह रहती है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है, बट जैसे ही आप अंदर जाते हो या कार में जाते हो वो पानी बन जाती है और वहां से दिक्कत होती है स्टार्ट फिर। तो इसीलिए आप जो जैकेट वैकेट ले रहे हो वो गर्म के साथ साथ वाटर प्रूफ भी होनी चाहिए और साथ में आपके शूज भी। शूज का इंपॉर्टेंस आप प्लीज सीरियसली समझना, आप अगर चल रहे हो कहीं पे स्लिप होके गिर रहे हो आपकी कमर में दिक्कत हो सकती है, आपके हाथ पैर लात टूट सकते हैं यहाँ पे, और मेडिकल फैसिलिटीज आपको मैं पिछली वीडियोस में भी बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत अभी खराब चल रहा है सीन। तो अगर किसी चीज पे आपने पैसे लगाने हैं तो अपने शूज पे ढंग से लगाना, नॉन स्लिपरी हो जो आपको बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, प्लस वो वेदर प्रूफ भी हो कि आपको -10 -20 में गर्म भी रखे आपके पैरों को और पानी भी अंदर ना जाए। तो उसके बाद अब अपने बढ़ते हैं सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी वो गलतियां करी थी, पर गलतियों से बंदा सीखता है, इस बार वो गलतियां मैं नहीं कर रहा। कल ही मेरे को उस चीज का रिजल्ट भी मिल गया जो कि मैं आपको शेयर करता हूं अभी। यहां पे जब भी आप कार लेके निकल रहे हो ना आप हमेशा अपनी वेदर की वार्निंग देख के जाएं कि नेक्स्ट एक घंटे के अंदर क्या अपडेट रह रहा है वेदर का। और पहले मैं इस चीज को मजाक समझता था, बट इनकी जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत एक्यूरेट होती हैं। आईफोन में तो ये वेदर ऐप भी होती है जिसपे सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो लास्ट टाइम जो गलती करी थी वो मैं पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ ना छोटे छोटे स्नो स्टॉर्म भी आते रहते हैं जो कि 15-20 मिनट के ही होते हैं, बट अगर उस टाइम आप रोड पे हो तो आपकी ढंग से लग जाती है। तो लास्ट विंटर्स की बात है, मैं एक दो बार जब काम पे जा रहा था, मेरा 50 किलोमीटर दूर होता काम, तो मैं बीच में स्टक हुआ हूँ 2-3 बार स्टॉर्म के, क्योंकि मेरी गलती ये रही थी कि मैं हमेशा वेदर रिपोर्ट चेक नहीं करता था और दूसरी चीज हाईवे रिपोर्ट चेक नहीं करता था। यहाँ पे आप ट्विटर पे भी ओपीपी का जीटी का जो पुलिस का अकाउंट है तो वो भी सारे अपडेट देते रहते हैं कि कौन से हाईवे अभी स्टक है, कहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, प्लस आप गूगल मैप पे भी चेक करते रहो। अब कल मेरे को कहीं जाना था बट 50-50 था, तो वही चीज हुआ, मैंने मैप चेक किया, वहां पे कोलिजन हो रखा था, 40 मिनट का रास्ता स्टक दिखा रहा था, तो भाई मैंने छोड़ दिया, प्लान कैंसिल कर दिया। यही मैं तैयार त्यार होके गाड़ी में बैठ के निकल के फिर मैप लगाता तो भाई फिर लग गई थी ढंग से। तो तीन चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला वेदर रिपोर्ट आपको डेली चेक करनी है विंटर्स के अंदर कि अभी हर घंटे क्या सीन चल रहा है अगर आप बाहर निकल रहे हो। दूसरी चीज, अगर आपने कहीं पे जाना है अपने रूट्स फिगर आउट करो, क्योंकि अगर स्नो स्टॉर्म में आप स्टक भी हो रहे हो ना तो आपको रास्ते पता होने चाहिए। कुछ रास्ते होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, कईयों में अप हिल डाउन हिल होते हैं, तो आपको इस तरीके के जो रास्ते हैं वो अवॉइड करने, क्योंकि वहां पे गाड़ी ज्यादा स्लिप होती है फिर। तो भाई ये सारी कुछ चीजें थी, एज अ बिगिनर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हुआ, मेरे को 1-1.5 साल हुआ है यहाँ पे रहते को, बट ये मेरी सेकंड विंटर्स है। तो पहली विंटर्स में मैंने पूरी ड्राइविंग करी थी, कार वार चलाई थी और यहाँ पे रह के भी देखा, बाकी सारी चीजें भी एक्सपीरियंस करी। तो जो भी चीजें थी, मेरा मन था मैं लास्ट ईयर तो शेयर नहीं कर पाया था कि इस साल विंटर स्टार्ट होते ही आप सबके साथ शेयर कर लूं, ताकि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कॉमर्स हैं जो कनाडा आ रहे हैं, भाई थोड़ा सा ध्यान रखना इन सब चीजों का। और बाकी भाई मेरी तरफ से तो वीडियोस आगे भी ऐसे और आती रहेंगी, एंड होपफुली आप सबको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। तो अगर कोई फायदा मिल रहा है तो गाइस जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर दो। तो अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।